हाजी मोहम्मद अहमद एक मुसलमान परिवार में पैदा हुआ था। वो हाजी टाइटल इसलिए लगाता था क्योंकि वो मक्का में हज के लिए गया था। अपनी पूरी ज़िंदगी में मैं एक बहुत अच्छा मुसलमान रहा था। मेरे ख़ानदान का यही मकसद था कि मैं मस्जिदें बनवाऊं और इस्लाम को हर जगह फैलाऊं। मस्जिद में एक अच्छा लीडर होने के नाते मोहम्मद ने एक खेल शुरू करवाया था, सड़कों पर क्रिश्चियंस को ढूंढने का। हम उन क्रिश्चियंस को मारा करते थे जो चर्च जाते हुए दिखाई देते थे, और उस क्षेत्र में मैंने इस तरह की 7 बाइबलें जलाई थी। एक बार तो उसने एक क्रिश्चियन पर चाकू से भी हमला किया था, और ये उसकी ज़िंदगी थी जब तक उसे एक अजीब सा ख्वाब नहीं आया। और जब मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे जन्नत से कोई आवाज़ आ रही है, मोहम्मद मोहम्मद, तुम अंधकार में जी रहे हो, उससे बाहर निकलो और मेरे पीछे हो लो। मोहम्मद ये समझ गया कि ये मसीहियों के खुदा की आवाज़ है, और जब उसने अपनी माँ को अपने इस सपने के बारे में बताया, उसने तो सुनने से ही इनकार कर दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब क्योंकि मोहम्मद एक बहुत ही कट्टर मुस्लिम परिवार से था, इसलिए उसने परमेश्वर के पीछे चलने का इनकार कर दिया। और तब उसे एक दूसरा ख्वाब आया, और इस बार परमेश्वर उससे बहुत नाराज था। मोहम्मद, तुम इस अंधकार की जगह छोड़ोगे और मेरे पीछे चलोगे। मोहम्मद ने फिर भी इनकार किया और वो बहुत बीमार पड़ गया। मैं ना ही बोल पा रहा था, ना चल पा रहा था, और कुछ खा पा रहा था। एक बहुत ही भारी बोझ मेरे ऊपर आ गया था। और फिर मैं बहुत सारे अलग अलग हॉस्पिटल्स में गया इलाज के लिए, लेकिन मैं चंगा नहीं हो रहा था। और तब मोहम्मद को कुछ मिशनरीज याद आए जो उसे यीशु मसीह के बारे में बताना चाह रहे थे। मुझे डर ये लग रहा था कि मेरे दोस्त या मेरे रिश्तेदार मुझे जान से मार देंगे, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं उन मिशनरीज को बुलाऊंगा और उनसे बात करूंगा। और फिर उन्होंने मुझे बाइबल के बारे में बताया और मुझे हिम्मत बधाई, और मैंने फैसला किया कि मैं यीशु को अपना उद्धारकर्ता बना लूँगा। और उसी दिन मेरे सर से वो बोझ उतर गया और मेरी बीमारी भी उसी दिन चली गई। मोहम्मद अकेला इंसान नहीं था जिसने यीशु को ग्रहण किया था। उस सपने को देखने के बाद मैंने अपनी माँ को और अपने रिश्तेदारों को भी बताया अपनी हीलिंग के बारे में और जो शांति मुझे मिली थी, और उनमें से बहुत ने उसे कबूल किया, जबकि वो जानता है कि उसके पाप अब क्षमा हो चुके हैं। लेकिन मोहम्मद को आज भी इस बारे में गिल्टी फील होती है कि उसने क्रिश्चियंस के साथ कैसा बर्ताव किया। मैं तो अभी भी माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने पहले क्रिश्चियंस के साथ किया उसके लिए। मोहम्मद ने जिसके ऊपर चाकू से हमला किया था, आज वो बहुत अच्छा दोस्त है मोहम्मद का, और उन दोनों ने ही एक्सेलरेशन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री से ट्रेनिंग ली है ताकि वो पूरे यूथोपिया में यीशु का समाचार बांटें। मोहम्मद ये कहता है कि यीशु की चंगाई करने की सामर्थ से ही आज उनकी दोस्ती हो पाई है। आज मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि यीशु सचमुच में हैं। वही मेरी शांति है, वही मेरी चंगाई है, वही मेरी सेवकाई, और वही मेरा उद्धारकर्ता है।